डिसमाउंट होकर वीआईपी को प्रोटेक्ट करते हुए स्टेज की तरफ ला रहे हैं। वजीरिस्तान के अमन पाकिस्तान के अमन है, वजीरिस्तान की खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली है। अदा करें, सब मिलकर नारा लगाए, झूठ बोलता है नहीं मानता। डिप्टी कमिश्नर की स्टाफ के दौरान चंद शर्त पसंद अनासर ने हमले की कोशिश की, जिसमें एक टारगेट किलर को स्नाइपर ने बड़ो कार्रवाई करते हुए इंगेज किया। पुलिस फोर्स के चाकू चौबंद जवानों ने पेशा वराना तरीके से इंगेज किया और इसी असना में वीआईपी को कवर देते हुए बाहिफाजत क्लियरेंस में मुंतकिल किया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, पाकिस्तान। दे पुलिस को चिट्ठी में निकाली दी, आप बांधी पिंजिम या सिनामक बांधी दा तंखे दा वेपिस ग्राम नंबर दा दो छे मील दे 1300 दी हजार दी पुलिस को निकाले दा तुस इटा तंग करी दी पता के दा से लगी दी छे दे मेटर पे रे स्कूल नस्ता छे आ तुस को मेटर मंदे वेर कहे पता भैया तहसील वाइज जी वेर कहे आठ तहसील था चार तहसील था और अच्छी पाचेरे दस भी का मताखे ले लिया के दे मेटर पे रे गारुस्ता स्कूल दाओ इटा अत्ते स्तंग वेर को मीस तुता कैजी साहब तुता दरखास्त की चेदा इटा हाथम का दुलाई मिल गया एजी साहब ने उसका है डीपीओ साहब ने डीसी साहब ने उसका है ऐसा के पास आया सारा दाल तस्वीर वाइज में दे दाग आओ बोला तेरा सुनी का रही थी या दो दो हजार ऐसा के नबात एमीर पाकिस्तान के आम रस्ता मिल दातु तार बीस की चेदा आमन जो चचूट बहुत सारा आईजीपी साहब और बाकी मेहमानों को शुमाली वजीस्तान के आने पर हम खुश हमारे कहते हैं। और जब से इधर फौज आया हालात खराब होने के बाद फौज ने कंट्रोल किया अमन अमान के बारे में वो फौज आया तो हम शुमाली वजीस्तान के जितने आवाम थे सारे फौज के साथ शाना बशाना हो गए इंशाल्लाह। अब मंजर हो गया, जब मंजर हो गया आपके आने के मंजर होने के बाद तो उम्मीद है आपसे तवक्कुल भी है कि हमारे स्टाफ का फाटक के साथ जो मायने हो चुके हैं या वादे हो चुके हैं जिसको आप और बाकी सरकार आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ मशरान का जिन्होंने मुझे यहाँ पे दावत दी और खिताब करने का मौका फराहम किया। शुमाली वजीस्तान के जितने भी मशरान हैं उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं मुल्क के लिए और आप सारे काबिले फख्र हो जिन पर पूरी कौम को फख्र हासिल है और तारीख गवाह है कि इस ज़मीन पे जब भी कुर्बानी मांगी गई तो मशरान ने अपने अहलो अयाल समेत पाकिस्तान की बका के लिए कुर्बानी दी और जितने भी सिविल और अक्सरी अफसरान यहाँ पे तैनात रहे मशरान ने उनके साथ बहुत ही ताव। आखिर में मैं आप लोगों का फिर शुक्रगुजार हूँ कि मैं यहाँ पे आया और आप लोगों से मुखातिब हुआ। ये तो थी लिखी हुई तकीर जो मैंने आपको पढ़ के बताई, अब मैं अपनी दिल की बात आपसे बताऊंगा। वो ये दो तीन बातें आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वो एक के लेवीज 29,000 थी, हमने उनको पुलिस में जम कर दिया। पुलिस की तनख्वाह सिपाही को 38,000 से ज़्यादा मिल रही है।
की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, कुछ की हम करवा रहे हैं, कुछ की आर्मी करवा रही है। और मैं आपको बताऊं, आप अपने बच्चों पर फख्र करेंगे और फख्र आपको होना भी चाहिए कि ये वाहिद फोर्स है, आर्मी वाले भी मुझे बताते हैं, जहां पे एक डिजर्शन नहीं हुई है। डिजर्शन समझ रहे हैं, कोई भी बंदा ट्रेनिंग से भागा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, आप अपने बच्चों पर फख्र कर सकते हैं कि ये वो फोर्स थी अभी जो पुलिस में जम हुई है, ट्रेनिंग से एक बंदा भी भागा नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे पुलिस के सेटअप में। दूसरी बात हमने ये की है कि पुलिस की जितनी भी मदद थी, जो दूसरे सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट में पुलिस को मिल रही थी, वो सारी इन पर अप्लाई होती हैं, जिसमें बच्चों की शादियां, बच्चों की तालीम, शुदा पैकेज और जितने भी बेनिफिट्स थे, वो एक्स फाटा के ये जो जिले हैं उन पर अप्लाई भी किए हैं, और अभी वो पैसे हमने देना इनको शुरू भी कर दिए हैं। और एक और चीज आपको बताना बहुत जरूरी है, इनके कैरियर प्लानिंग के लिए भी हमने एक कमेटी मुकरर की हुई है कि इनके प्रोमोशंस होए। मेरे ख्याल में उसमें एक महीना लगेगा। यहाँ की डीएसपी की पोस्टें हमने खाली रखी हुई हैं, सिर्फ के यहाँ के लोग डीएसपी बने। दूसरी सबसे बड़ी बात यह होगी कि अभी हमने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू किया हुआ है, भर्ती का, जिसमें नई पुलिस की आपके बच्चे और बच्चियां रिक्रूटमेंट होगी उनकी। और मुझे बड़ी खुशी है कि 7,000 के करीब बच्चियों ने अप्लाई किया हुआ है एनएमडीओ से कि हम पुलिस में भर्ती होना चाहती हैं। ये बहुत बड़ा एक इंकलाब है आपके और हमारे मुआशरे में। लेकिन एक चीज बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये सारी भर्ती यहाँ के लोगों की होगी, बाहर से कोई बंदा नहीं आएगा। जितनी हमारी वैकेंसियां होंगी सिपाही से लेकर एनजीओ इंस्पेक्टर तक, सब इंस्पेक्टर तक, जो भी भर्ती होगी वो सिर्फ लोकल लोगों की होगी। इसमें किसी को शक को शुबा नहीं होना चाहिए। कानून भी ये कहता है, इंसाफ भी ये कहता है, मोरलिटी भी ये कहती है। तो हम इंशाल्लाह इसको इंश्योर करेंगे कि लोकल लोगों की भर्ती हो पुलिस में। और जब नौजवान नस्ल पुलिस में आएगा तो आप देखना, आपके बच्चे और बच्चियां आपकी जब पुलिस में भर्ती होंगी तो आप देखना इस मुआशरे का, इस खिते का क्या फेस बनता है। आप उस पर भी इंशाल्लाह फख्र करेंगे। हमने इधर थाने भी बनाए हैं, अभी भी बना रहे हैं, और पैसे रिलीज हो चुके हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे और भी डेवलपमेंट आपके सामने होगी। हमारा काम था, जो एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़ा अच्छा काम कर रही है, और फौज ने हमें जितनी भी ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं, फौज करवा रही है, तो फौज हमें कैपेसिटी दिला रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए हो रहा है, आपके बच्चों के लिए हो रहा है, आपके बेटी और बेटियों के लिए हो रहा है। तो आपका तो मुस्तकबिल अच्छा है ही है, लेकिन आपसे ज्यादा आपके बच्चों का और बच्चियों का मुस्तकबिल होगा। जब यहाँ पे तालीम होगी, यहाँ पे आपके लोग भर्ती होंगे, और मेरी जगह पर यहाँ का बंदा बैठेगा, ये मैं बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह। तो आप इंशाल्लाह इस मर्जर पर और पाकिस्तान पर फख्र करेंगे इंशाल्लाह। पहले भी किया था, अभी भी करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं, और आपकी जितनी भी बातें होंगी, आपको गाइड बना के, अगर कानून में कोई गुंजाइश नहीं भी होगी तो हम कानून भी बनाएंगे कि आपका फायदा हो। और इंशाल्लाह कोई भी आपसे ही गाइडेंस लेके, आपके ही डेलीगेशनों से मिलके हम आगे जाएंगे, आगे चलेंगे, और हम आपके साथ ही होंगे और आप भी हमारे साथ ही होंगे इंशाल्लाह। आपकी बड़ी मेहरबानी, इंशाल्लाह हम आपस में मिलते रहेंगे। 14 दिसंबर 2020 पाकिस्तान।
बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पे आए। और वैसे आपने ये सारी ट्रेनिंग देखी है, हम पाक फ़ौज के बड़े शुक्रगुजार हैं जो इतनी अच्छी ट्रेनिंग करवा रहे हैं शॉर्ट टाइम पे और इस इतनी क्वालिटी ट्रेनिंग। तो ये बहुत ही हमें पाक फ़ौज पे बड़ा फ़ख्र है कि पुलिस को वैसे भी प्रोक्योरमेंट हो या जितने भी हमारे दूसरे काम हैं उसमें हमारी बहुत मदद कर रहे हैं और 5,000 के करीब लोगों की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ये फ़र्स्ट फेज़ है, तो आपने ख़ुद ये ट्रेनिंग देखी है। तो बाकी ओवरऑल एब्जॉर्प्शन हो चुकी है, ट्रेनिंग अभी चल रही है, उसके बाद इनकी करियर प्रोग्रेशन होगी जिसमें इनके प्रमोशंस होंगे, उसके बाद हम यहाँ पे नई रिक्रूटमेंट भी करने जा रहे हैं इंशाल्लाह होपफुली, जिसमें यहाँ के लोकल अफराद ही होंगे जो रिक्रूट होंगे इंशाल्लाह होपफुली। तो पुलिस स्टेशन बना रहे हैं हम, टोटल फाटा में तो 28 हैं लेकिन हम यहाँ पे 7 और बना रहे हैं, 3 की तो आज की है ना, की है बाकी 7, हाँ 7 और बना रहे हैं हम पुलिस स्टेशंस, उनके लिए पैसे भी रिलीज़ हो चुके हैं लैंड कंपनसेशन के, और इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन भी पाक फ़ौज से हम इंशाल्लाह करवाएंगे, और वो तैयार बैठे हुए हैं कि जैसे ही पैसे रिलीज़ होते हैं तो हम कंस्ट्रक्शन शुरू कर लेंगे। और ड्राइविंग लाइसेंस शुरू हो चुके हैं, कंप्यूटराइज लाइसेंस इजरा जारी है, मुकदमात हुए हैं 367 मुकदमा दर्ज हुए हैं, मुलजमान भी गिरफ़्तार हो चुके हैं कुछ। तो पुलिस जितनी ट्रांजिशन थी ना वो बड़े अच्छे नमूने से चल रही है, FIR भी दर्ज हो रही है, लोगों को मेरे ख्याल में जुडिशरी भी आ गई है शायद, तो जुडिशरी भी काम शुरू कर दिया है। तो ये जो 2-3 सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आ चुकी है, पुलिस आ चुकी है, जुडिशरी आ चुकी है, तो हमारे हिसाब से ये ट्रांजिशन जो है बड़े अच्छे नमूने से सक्सेसफुली चल रही है।